नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज भी जो है मैं आप सभी के लिए बहुत सारी क्रिकेट की न्यूज़ निकाल के लेके आया हूँ, जो कि आप सभी के लिए जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो भाई वीडियो को जो है स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरा देखते रहिए, और हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगे, और सब्सक्राइब भी जरूर याद से ही कर लीजिए। शुरुआत करते हैं विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के साथ में। तब यहाँ पे जो है वायरस से लड़ने में जो है दोबारा से अनुष्का शर्मा और विराट कोहली, भाई ये दोनों लोग ने जो है 5-5 लाख का जो डोनेशन है वो दिया है मुंबई के वेलफेयर पुलिस में। मतलब कि 5-5 लाख, मतलब कि कुल मिला के जो है दोनों ने 10 लाख का डोनेशन मुंबई के पुलिस वेलफेयर अकाउंट में डाल दिया है। तो ये जो है काफ़ी अच्छे तरीके से विराट कोहली और भी जो है बाकी जितने भी जो है अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज है, ये लोग जो है काफ़ी आगे आ रहे हैं इस वायरस से लड़ने में। और भाई जो डोनेशन है वो तो काफ़ी भारी मात्रा में हो चुका है। अब बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के मैथ्यू हेडन और ऑस्ट्रेलिया की मैथ्यू हेडन के। दोनों जो है एक ही प्लेयर है, लेकिन यहाँ पे जो है हम सभी को पता है आईपीएल में किस तरीके से जो है भाई सीएसके की टीम की तरफ से खेलते हुए एक बार जो है मैथ्यू हेडन ने मंगूस बैट का इस्तेमाल किया था, जो कि उसका जो हैंडल था वो काफ़ी लंबा था और बैट जो साइज था वो काफ़ी छोटा था। फर्स्ट टाइम जो है मंगूस बैट का इस्तेमाल हुआ था, उससे जो है मैथ्यू हेडन ने बल्लेबाजी भी की थी, जिसको देखने के बाद जो है धोनी ने कहा कि भाई आप जो है इस बैट का इस्तेमाल करना बंद कर दो, इसके लिए जो है मैं आपको आपके ज़िंदगी में कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ, ऐसा जो है धोनी ने मैथ्यू हेडन से कहा था। और उसके बाद जो है भाई मैथ्यू हेडन ने कम्प्लीटली मंगूस बैट जो था उसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया। अब बात करते हैं सुरेश रायना की। यहाँ पे जो है सुरेश रायना और इरफान पठान जो है लाइव चैटिंग कर रहे थे, इसके दौरान जो है दो बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मुझे मिली है रायना को लेके। शुरुआत करते हैं सुरेश रायना और एमएसके प्रसाद से। मैं जो है आपको अपने न्यूज़ में पहले बताया था कि एमएसके प्रसाद ने कहा था रायना को जो है टीम इंडिया से ड्रॉप किया है। मैंने जो है खुद रायना से पर्सनली बात की है, उसके बाद ही जो है रायना को ड्रॉप किया है, क्योंकि जो उनका डोमेस्टिक परफॉर्मेंस था वो बहुत ही खराब चल रहा था। जिसके बाद जो है रायना ने लाइव चैट में कहा कि मेरे से जो है एमएसके प्रसाद ने कभी भी बातचीत नहीं की और मुझे जो है बिना किसी रीज़न दिए डायरेक्टली टीम इंडिया से ड्रॉप किया गया। ये जो बात है भाई खुद सुरेश रायना ने कही थी अपने लाइव चैटिंग के दौरान। यहाँ पे हम लोग देखे तब भाई एमएसके प्रसाद जो शायद से जो है वो डायरेक्टली भी किसी प्लेयर को रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि वो जो है उस टाइम के सिलेक्टर थे। और भाई रायना का हम लोग फॉर्म देखे डोमेस्टिक का तो वो भी ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उसके बाद जो है एक बार रायना टीम से ड्रॉप हुए, दोबारा जो है टीम में वापसी अभी तक नहीं हो पाई है। ये तो हो गए भाई रायना की खुद की पर्सनल अपडेट। सेकंड अपडेट बात करते हैं यहाँ पे जो है रायना और इरफान पठान ने जो है एक बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट मुद्दे को उठाया था लाइव चैटिंग में। वो मुद्दा था भारतीय प्लेयर्स को विदेशी लीग में खेलने का मौका। हम सभी को पता है भाई कोई भी भारतीय प्लेयर विदेशी T20 लीग में खेल नहीं सकता, क्योंकि उसको जो है अपनी BCCI परमिशन देती नहीं है, जिसको लेकर जो है बहुत ही अच्छी खासी डिबेट हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जो है रायना ने अपना खुद का ओपिनियन रखा, बताए है BCCI को, कहे है कि आप लोग जो है जिन प्लेयर्स के पास कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में उनका नाम नहीं है, जो प्लेयर घर पर ऐसी जो है खाली बैठे है, उनको जो है आप लोग विदेशी T20 लीग खेलने की अनुमति दे दो। और यहाँ पे जो है मैक्सिमम 2 लीग्स तो आप लोग खेलने की अनुमति दे दो, मतलब कि कोई भी 2 लीग जो है इंडिया के प्लेयर्स जाके T20 खेल सकते हैं बाहर के देश में, जिन प्लेयर के पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो वैसे में जो है काफ़ी अच्छी बात है भाई, जो प्लेयर घर पर खाली बैठा रहेगा जिसका नाम कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है तो वो क्या करेगा, शायद से जो वो अपना इंडियन डोमेस्टिक खेलेगा, लेकिन उसके बाद जो ऑप्शन बचता है वो बचता है विदेशी T20 लीग, क्योंकि आजकल जो है T20 का दौर बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ चुका है। तो इसके बारे में आप सभी क्या सोचते हो बताओ नीचे कमेंट करके। अब जो है बहुत ही अच्छी खबर आ रही है भाई इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के सीरीज को लेके। ये सीरीज का जो इंतजार है हम सभी को बहुत ही बेसब्री से है। तो वैसे में जो है एक सीनियर भाई BCCI के ऑफिशियल मेंबर ने कहा है कि ये जो सीरीज है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया शेड्यूल के मुताबिक होने वाली है, जहाँ पे जो है उनको ऐसी उम्मीद है कि जो अपना क्रिकेट है वो सितंबर और अक्टूबर के महीने में दोबारा से चालू हो जाएगा। लेकिन इस खबर को जो है अभी ये लोग पब्लिकली अनाउंस नहीं कर रहे हैं। तो हम सभी के लिए अच्छी खबर क्या है, शेड्यूल के मुताबिक जो है इंडिया और ऑसीज की सीरीज जो है वो चलने वाली है।
अब बात करते हैं भाई आईपीएल 2020 और यूएई की। तब यहाँ पे जो है बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है कि जो है भाई यूएई इन्होंने जो है पहले भी अपने भाई बीसीसीआई को ऑफर किया था कि आईपीएल को जो है यूएई में होस्ट किया जाए। ये जो रिक्वेस्ट है यूएई ने अपने बीसीसीआई को दी थी और इस बात को जो है मान भी लिया है, उन्होंने रिक्वेस्ट भेजा था। लेकिन यहाँ पे जो है बहुत ही बड़ी अपडेट दी है बीसीसीआई ने, कहा है कि हम लोग जो है अभी फिलहाल के लिए यूएई में आईपीएल का आयोजन करवा नहीं सकते क्योंकि फिलहाल जो है पूरी इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद है। तब ऐसे में जो है प्लेयर्स का आना जाना काफी मुश्किल है और मान लीजिए अगर हम लोग ने अपने जो है अनुमति दे भी दी तब बाकी के जो जितने भी देश के प्लेयर्स है वो शायद से एक साथ ना आ पाए क्योंकि जो इंटरनेशनल फ्लाइट है वो भाई कंप्लीटली बंद है। तब ऐसे में जो है यूएई में होस्ट करना आईपीएल को फिलहाल के लिए पॉसिबल दिखाई नहीं दे रहा है। उसी के साथ में जो है ये भी कहे कि श्रीलंकन जो देश है ये भी एक मजबूत दावेदार है कि यहाँ पे भी जो है आईपीएल को होस्ट किया जा सकता है लेकिन फ्यूचर में। फिलहाल जो है इसको लेके आगे और भी अपडेट्स आएगी लेकिन आप लोग मेरे से पूछे तब सितंबर और अक्टूबर तक जो है आईपीएल का मुझे कोई भी चांस दिखाई नहीं दे रहा है। और आप लोग जो है कोई भी खबर सुने कि आईपीएल इस तारीख को स्टार्ट होगा तब चालू होगा तब समझ लीजिए भाई वो खबर बिल्कुल फेक है। अब बात करते हैं इंग्लैंड वर्सेस वेस्टइंडीज और पाकिस्तान की। यहाँ पे जो है हम सभी को पता है कि जो वेस्टइंडीज की टीम है वो जुलाई के महीने में जाएगी इंग्लैंड में और खेलेगी टेस्ट सीरीज। मान लीजिए यहाँ पे अगर वेस्टइंडीज की टीम जुलाई के महीने में इंग्लैंड के देश में नहीं जा पाती है कुछ कारणवश और सीरीज नहीं खेल पाती है तब ऐसे में जो है क्या होगा कि जो पाकिस्तान की टीम है वो तो भाई अगस्त के महीने में जाएगी इंग्लैंड में और खेलेगी टेस्ट सीरीज। तब ऐसे में जो है वेस्टइंडीज नहीं जा पाएगी तब जो पाकिस्तान की टीम है वो इंग्लैंड के देश में 5 टेस्ट मैच की लंबी सीरीज खेलेगी और जो वेस्टइंडीज की टीम नहीं आ पाई उसका जो है पूरा भुगतान कर देगी पाकिस्तान की टीम 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेल को लेके। एट द एंड जो है बात करते हैं मोइन अली की। तब यहाँ पे जो है मोइन अली ने अपने रिसेंट इंटरव्यू में कहा था कि उनके पास जो है सिर्फ 2-3 साल ही बचे है टॉप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने को लेके। तब ऐसे में जो है एक संकेत मिल चुका है कि जो भाई मोइन अली है वो 2-3 साल और खेलने वाले है इंटरनेशनल क्रिकेट, उसके बाद जो है वो संन्यास ले लेंगे। उनको जो है एक बहुत ही सुकून होना चाहिए कि ये वही मोइन अली है जो कि इंग्लैंड के वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा है जो कि इतिहास में दर्ज हो चुके हैं। अब बात करते हैं हमारे आज के फैक्ट ही। क्या आप सभी को पता है वनडे क्रिकेट के इतिहास में ऐसे कौन से दो गेंदबाज हैं भाई जिन्होंने जो है वनडे क्रिकेट में 150 से ज़्यादा विकेट जो है बोल्ड करके निकाले हैं। यहाँ पे जो है सिर्फ दो ऐसे प्लेयर हैं वो है वसीम अकरम और वकार यूनिस। ये दो ऐसे खिलाड़ी है भाई वनडे क्रिकेट में जिन्होंने 150 प्लस विकेट जो है मात्र बोल्ड करके निकाले हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो और आज की न्यूज़। मैं आप सभी को जो है मिलता हूँ कल के वीडियो में, लेकिन उसके लिए आप लोग जो है अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी करके रख लीजिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे रहिए, सेफ रहिए।